देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जर्वेशन हो जाए, है ना, डायरेक्ट पहला ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं नजर आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रल फॉर्म में पहुंचाना पड़ेगा। और इंटीग्रल फॉर्म में पहुंचाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म से ये मैच कर रहा है। तो थोड़ा सा मैनेज कर दें आपके लिए, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ठीक है, और ये हो गया कॉट एक्स डी एक्स। तो अब देखो ध्यान से, ये आपका अगर एफ एक्स है, मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स अगर आपका एफ एक्स है, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो कॉट एक्स होगा, मतलब ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स है, और ये पावर वन है। तो जब भी हम लोग ये फॉर्म देखते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर वन प्लस वन, मतलब टू अपॉन टू प्लस सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, दैट इज योर फाइनल आंसर।